अयोध्या के राजा श्री दशरथ, सुपुत्र भगवान श्री राम, जिनकी कहानी उनके बेटों की जुबानी एक बार उन्हें सुनने को मिला। लवकुश अयोध्या आते हैं और पूरी कहानी भगवान श्री राम के सामने गीतों के माध्यम से रखते हैं। उसी वक्त पता चलता है कि ये छोटा सा वनवासी कोई और नहीं, हमारा पुत्र लव और कुश है। यह मार्मिक दृश्य देखने में बनेगा। सुनिएगा गौर से रामायण लव कुश के द्वारा अयोध्या के भरे दरबार में लव कुश अपनी जुबानी कैसे कह रहे हैं। ओम श्री गणाधिपतये नमः। ओम श्री उमा महेश्वराय नमः। वाल्मीकि गुरुदेव के पद पंकज सिर सरस्वती हम पर हो सहाय। मात पिता की वंदना करते बारंबार, गुरुजन प्रजाजन नमन करो स्वीकार। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूदी के भरत खंडे आर्यावर्ते भारत वर्ष एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यही जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। रघुकुल के राजा धर्मात्मा चक्रवर्ती दशरथ पुण्यात्मा, संतति हेतु यज्ञ करवाया, हर यज्ञ का शुभ फल पाया। घर जल में चार को मारा, रघुकुल दीप जगत आया। शत्रुघ्न लक्ष्मण गुरु वशिष्ठ के गुरुकुल जाके
अंत काल विद्या सब पाके पूरण हुई शिक्षा रघुवर पूरण काम हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम के ये रामायण है पुण्य कथा तेरा बस एक बार तालियों की आवाज एक बार इस दरबार में सब मिलकर और बेटा मृदु स्वर कोमल भावना रोचक प्रस्तुति ढंग मृदु स्वर कोमल भावना रोचक प्रस्तुति एक एक कर वर्ण करे लव खुश राम प्रसन्न विश्वामित्र महामुनि राई तिनके संग चले तो भाई कैसे राम तारी का मारी मुनिवर विश्वामित्र जब संग ले लक्ष्मण राम सिया स्वयंवर देखने पहुँचे मिथिला जनकपुर उत्सव है भारी जनकपुर उत्सव है भारी अपने वर का चयन करेगी सीता सुकुमारी जनकपुर उत्सव है सीता के माता सीता का स्वयंवर हुआ उसमें शर्त क्या थी क्या शिव धनुष को कौन तोड़ेगा जनक राज का कठिन प्रण सुनो सुनो सबको जो तोड़े शिव धनुष को सो सीता पति हो तो तोड़े शिव धनुष कठोर राम की राम दिने गुरु के गुरुवर की आज्ञा शिरोधा सहज भाव से शिव धर को जनक सुखा संग नाता जोड़ा रघुवर जैसा और न कोई सीता के समता नहीं होई तो परे पराजित कांति कोटि रचिता हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की ये रामायण है पुण्य कथा की राम की पर शब्द मोहिनी नारे मंत्र मुग्ध भय सब नर नारे यो दिन रे जाते बीते लव कुश ने सबके मन जीते वनगमन सीता हरण हनुमत मिलन लंका दहन
रावण मरण अयोध्या पुनरागमन राजा राम भय रघुराई राम राज आयो सुखदाई सुख समृद्धि श्रीहर घर आई प्रभु श्री राम का आगमन हो गया रामायण के अनुसार अयोध्या में लेकिन समय किसी को नहीं छोड़ा है। समय का मार ऐसा होता है जो देवी देवताओं को भी सहना पड़ता है। भगवान श्री राम के जीवन में भी समय का काल चक्र चला। काल चक्र ने घटना क्रम में ऐसा चक्र चलाया राम सिया के जीवन में घोर अंधेरा छाया अवध में ऐसा एक दिन आया अवध में ऐसा एक दिन आया निष्कलंक सीता पे प्रजा ने मिथ्या दोष लगाया अवध में ऐसा एक दिन आया जल्दी सिया जब तोड़ के अब देह नाते मोह के पाषाण हृदयों में न अंगारे जगे विद्रोह के ममता मई माँ के आंचल भी सिमट कर रह गए गुरु वीर ज्ञान और नीति के सागर भी घट कर रह रघुकुल रघुकुल नायक कोई न सिया का हुआ सहायक मानवता को खो बैठे जब सब नगर के वासी तब सीता को हुआ वन माइक सन्यासी उन ऋषि परम उदार का वाल्मीकि शुभ सीता को ले आए निजी उन ऋषि परम उदार का वाल्मीकि शुभ नाम सीता को आशय दिया ले आए निजी रघुकुल में कुल दीप जलाए राम के दो सुत सिया ने जाए सुनिए जो नारी जो एक राजा की पुत्री है सुनिएगा आजकल लोग थोड़े से दुख में परेशान हो जाते हैं सीता माँ की बात कर रहा हूं जो एक राजा की पुत्री है
एक राजा की पुत्र वधु है और एक चक्रवर्ती राजा की पत्नी है। जरा सोच कर देखिएगा, जिसके चारों ओर दास दासियां घूमते रहते थे, वही महारानी सीता वनवास के दुखों में अपने दिन कैसे काटती है, अपने कुल के गौरव और स्वाभिमान की रक्षा करते हुए किसी से सहायता मांगे बिना कैसे अपना काम वो स्वयं करती है, स्वयं वन से लकड़ी काटती है, स्वयं अपना धान कूटती है, स्वयं अपनी चक्की पीसती है और अपने संतान को स्वावलंबी बनने की शिक्षा कैसे देती है, एक करुण झांकी जरूर देखिए। जनक दुलारी कुल वधु दशरथ जी की राजी रानी हो के दिन वन में बिताती है। रहते थे घेरे जिसे दास दासी अठोयम दास बनी अपनी उदासी को छुपाती है। हरम प्रवीणा सती पारों में कुली न सब विधि दो से ही ना बिना दुख में दिखाती है। जगमता हरि प्रिया लक्ष्मी स्वरूप सिया कूटती है धान भोज स्वयं में बनाती है। कठिनी कुल्हाड़ी लेके लकड़ियाँ काटती है, कर्म लिखे को पर काट नहीं पाती है। फूल भी उठाना भारी जिस सुकुमारी को था, दुख भरे जीवन का बोझ को उठाती है। अरिधांगिनी रघुवीर की वो धार धीर भरती है लीरी नीर नैन में नलाती है। किसी के प्रजा के अपवादों के कुचक्र में वो पीसती है जाकी स्वाभिमान को बचाती है। बच्चों को वो कर्मियों की भांति स्वाभिमानी स्वावलंबी सबल बनाती है। ऐसी सीता माता की परीक्षा लेते दुख देते निठुर नियति को दया भी नहीं आती है। ऐसी सीता माता की परीक्षा लेते दुख देते निठुर नियति को दया भी नहीं आती है। लव कुश ने हाथ जोड़कर प्रभु श्री राम के सामने कहा, प्रभु हो उस दुखिया के राज दुलारे, हम ही सुत श्री राम तिहारे। तारे लव कुश है ये तो नाम हमारे। हे पितु भागे हमारे जागे, राम कथा कही राम के आगे। पुनि पुनि कितनी हो कहीं सुनाई, यकी प्यास बुझत न बुझाई। सीता राम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन।